ओम शांति इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के यज्ञ रचयता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ हमारी आदरणीय दीदी जी व दादी जी के साथ रहने का मौका मिला जब हम बहुत छोटे थे तब जो आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी हैं जिनका इस वर्ष 28 जुलाई को विशेष स्मृति दिवस हम सभी मना रहे हैं तो उनकी विशेषताओं को देखते हुए आज मैं आप सब से अपने जीवन के कुछ अनुभव सुनाना चाहूँगी कि कैसे परम पिता परमात्मा ने हमारी आदरणीय दीदी की अनेक विशेषताओं को देखकर जिसको हम कहें प्रभु देन ही कहें और उस देन के आधार से हम सभी की बहुत अच्छी तरह से पालना की जैसे कि बड़ी दीदी बाबा के समय ही एक बड़ी दीदी के रूप में एक विशेष रूप से यज्ञ की पालना के निमित्त थी बचपन में जब थे तब तो उनकी इतनी विशेषताओं का अनुभव नहीं किया लेकिन जैसे हम लोग 1960 सिक्सटी के अंदर बाबा के इस ज्ञान के अंदर आ गए थे और पूरे परिवार से ही थे मदर फादर सब भाई बहन लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए पढ़ाई पढ़ते गए और दादियाँ हमारे पास आती भी थी दीदी भी आती थी तो मुझे याद आता है जब सबसे पहले हमारे लौकिक घर में बड़ी दीदी आई थी उद्घाटन करने के लिए तो उस समय हमारी लौकिक माता जी जो सत्या बहन के नाम से सब जानते थे तो जब यज्ञ के प्रति कुछ सौगात दीदी दे रही थी दीदी को दे रही थी तो दीदी बड़े प्यार से कहती तुम बाबा की बाबा का जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो तो बाबा का है तो तुम मुझे क्या दोगे इतने प्यार से जो ये महावाक्य दीदी ने बाबा के याद के रूप में बोले कि सब कुछ देने वाला तो एक भगवान दाता बाबा है तो हमने देखा था कि बाद में हमारी मम्मी कभी भी यज्ञ की जो सेवा करती थी तो हर पत्र में हमेशा यही कहती बाबा की चीज बाबा को रिटर्न कर रहे हैं बाबा जो हमें खिला रहा है पिला रहा है चला रहा है सब बाबा के ही दिया हुआ देन है लेकिन उसी रूप से हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे दिल्ली में जब भी दीदी का आना होता था तो मिलते भी थे दीदी की प्यार भरी वो दृष्टि और जो उनके अंदर विशेष रमणीकता का गुण था उस गुणों से हम लोग प्रभावित तो ज़रूर होते थे लेकिन फिर उस समय भी हम सेंटर में रहने का पार्ट नहीं मिला मिला नहीं कहें कि लेकिन हम सेंटर में आए नहीं हम सब बहने थीं दादियों की बाबा की सबकी इच्छा होते हुए भी मेरा थोड़े दिन बादशाह जब बी ए बी करने के बाद जब मैं कलकत्ता में आई निर्मल शांता दीदी के पास तब मुझे विशेष रूप से बड़ी दीदी की पालना का अनुभव हुआ क्योंकि तो अचानक आने के कारण मुझे कुछ सेंटर के नियम संगठन में कैसे रहा जाता है कैसे चला जाता वो मालूम ही नहीं था दे आते ही निर्मल शांता दीदी ने ट्रेनिंग का भी पार्ट दे दिया था ये सब कन्याएं हैं उनकी ट्रेनिंग कराओ लेकिन ट्रेनिंग से पहले ही हमारी बड़ी दीदी ने मुझे चलते चलते जैसे कि कई बार कहती थी सखी के रूप में ये देखो कि मालूम है सेंटर में कैसे रहा जाता है संगठन में कैसे चला जाता है तो एक बार मुझे याद आता है कि मैं माउंट आबू में मेडिटेशन हॉल के अंदर ही थी तो दीदी ने मेरा हाथ पकड़ के बहुत प्यार से कहा देखो संगठन में बहुत वेराइटी आत्माएँ होती हैं कोई कैसे बोलेगा कोई कैसे बोलेगा कोई कैसे चलेगा तो तुम सबके साथ रहने के लिए किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना संग दोष में नहीं आना और कभी घबराना नहीं तो उस रूप से देखा चलते चलते एक दो शिक्षा देते हुए कि संगठन में चलने की क्या कला है कैसे एडजस्ट करना है सुनना भी पड़ेगा समाना भी पड़ेगा और धीरज प्रेम शांति से कैसे चलते रहोगे तो देखा बहुत प्यार से छोटी छोटी बातें दीदी ने मुझे चलते चलते हाथ पकड़ के बतलाई और यही कारण था जब मैं कलकत्ता में आई तो मैंने देखा कि संगठन में ही मुझे रहना हुआ और दीदी की ये शिक्षाएं मेरे को प्रैक्टिकल जीवन में बहुत फ़ायदे हुए दूसरा दीदी की सोच सबसे बड़ी मैंने प्रैक्टिकल विशेषता देखी वो एक्यूरेसी और पढ़ाई के प्रति बहुत अलर्ट जैसे सभी सुनते भी हैं कि डायरी दाए, और पेन तो दीदी के हमेशा ही साथ रहता था मुझे भी याद है माउंट आबू में एक बार मैं क्लास में जा रही थी तो क्लास में जाते जाते मुझे दो तीन मिनट ही लेट हुआ होगा दीदी ने पीछे मुड़ के देखा होगा कि हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे लेकिन जैसी क्लास पूरी हुई थोड़ी देर बाद जब मैं सामने उनके आई थी तो बोला क्यों कुछ असुविधा है तो मैं तो पहले समझी नहीं आज तुम क्लास में लेट आए तो मैं सोचने लगी कि दीदी तो आगे बैठी हैं और मुझे कैसे देख लिया लेकिन ये सिखाने के लिए मुझे दीदी ने विशेष ध्यान खिंचाया कि क्लास में हमेशा टाइम पर पहुंचना चाहिए टीचर के पहले स्टूडेंट पहुंचाते हैं तो उस रूप से मैंने भी ये देख सीखा कि ज़्यादातर जब भी क्लास में अगर एक मिनट भी लेट होता है तो कितने स्टूडेंट के संकल्प चलते हैं तो व्यर्थ किसी के भी संकल्प चलाने के निमित्त नहीं बनना है एक्यूरेसी विशेष रूप से दीदी के अंदर देखी एक बार मैंने देखा था कि दीदी हमेशा जैसे पत्र व्यवहार में बहुत सारी यज्ञ के अंदर लिखती थी अगर कोई लेट आता था, था तो दीदी बोलती नहीं थी घड़ी देखती थी घड़ी देखना मतलब तुम ठीक नौ बजे नहीं आए हो, नौ बजने में पाँच मिनट हो गया तो ये एक्यूरेसी का गुण क्यों था कि कोई भी कार्य अगर हम एक मिनट दस मिनट लेट करते हैं तो व्यस्त संकल्प औरों के चलने लगते हैं दूसरा दीदी की विशेषता देखी परख शक्ति कि कौन सा कार्य किस व्यक्ति को किस समय देना है वो भी मैंने अनुभव किया और उसके साथ साथ जब मैं क्लास में योग का बहुत शौक़ था मैं योग कराने क्लास में जाते थे या यहाँ भी कलकत्ता में एक बार मैं योग करा रही थी तो किसी ने मुझे कोई ज़रूरी काम से योग की क्लास के अंदर ही ये कहा कि देखो बहुत ज़रूरी काम है कुछ कान में बात कह दिया मैं चुपचाप रही लेकिन बाद में आके मैंने उस बहन को बोला कि मैं योग कर रही थी तुमने बीच में आके मुझे डिस्टर्ब क्यों किया दीदी ने उस समय सुना दीदी ने कहा देखो योग तो तुम्हारा अपना पर्सनल बात है भगवान पिता से जब मर्जी बात कर सकते हो जब मर्जी नीचे आ सकते हो जब मर्जी ऊपर याद करो लेकिन कोई जरूरी काम में अगर योग भी करते हुए कोई जरूरी पूछता है तो उसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए तो मैंने देखा कि है बात तो राइट तो आज भी हम ये सोचते हैं कि जब हम कर्म क्षेत्र पर होते हैं कर्म योगी जीवन में होते हैं तो योग कोई अलग चीज़ नहीं है योग का अर्थ अच्छा है श्रेष्ठ कर्म और उस श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बाबा की याद में रहकर अगर हम करते हैं तो डिस्टर्ब नहीं होते ये विशेष हमने देखा कि योग के अंदर डिस्टर्ब ना होना ही योग है ये दीदी ने प्रैक्टिकल मुझे बताया और वो ध्यान में भी रहता है कि अगर हम योग कर रहे हैं और कोई बीच में बुलाता है तो वो भी डिस्टर्ब हमें नहीं होना है और विशेष रूप से तो दीदी के साथ मेरा तीन सुखिया में भी जाना हुआ फिर 82 का जब मेला हुआ था दीदी ने उसके पश्चात दीदी कलकत्ता में आई थी उनके साथ मैं पंजाब का भी टूर करने गई तो जब फर्स्ट टाइम दीदी के अंदर जैसे परख शक्ति भी थी कंट्रोलिंग पावर भी थी गंभीर भी थी रमणीक भी थी बचपन में तो इतने नज़दीक नहीं आए लेकिन अब सरेंडर होने के बाद जब उनके साथ मैंने टूर किया तो जो कहते हैं एक अलौकिक माँ अलौकिक माँ एक बच्चे का ध्यान रखती है उस रूप से मैंने वो टूर किया जो थोड़ा सा संकोच और डर होता है ना बड़ों के साथ जर्नी करने में तो उस रूप से मैंने ये अनुभव किया कि दीदी ने मेरी एक एक बात का कैसे बच्चे जैसे ध्यान रखा एक बार दीदी के साथ उसी टूर में जाते हुए देखा ट्रेन के सामने सौ दो सौ भाई बहन आ गए और मेरे हाथ में इतनी टोली नहीं थी दीदी मेरे हाथ से टोली लेकर उन सबको दे रही थी लेकिन टोली देते देते मेरे मन के अंदर संकल्प आए भाई बहन तो इतने ज़्यादा हैं और मैं कैसे ये दूंगी लेकिन दीदी ने परख लिया तुरंत ही मेरे को बोला देखो सब जो टोली है उसका दो टुकड़ा कह दो और सबको दे दो तो एक संकल्प एक सेकंड का जो मेरा चला तो मैंने देखा कि दीदी ने तुरंत उस बात पे मेरा ध्यान खिंचा दिया और उसके मैं निसंकल्प हो गए तो ये विशेषताएं बड़ी दीदियों के अंदर देखी, लेकिन विशेष रूप से मनमोहनी दीदी के अंदर मैंने नेचुरल रूप में ये गुण देखा कि टूर के अंदर जब मैं चंडीगढ़ भी पहुंची तो मेरे को पूछा तो कानन तुमने पंजाब देखा है चंडीगढ़ देखा है एक बार मैं गई थी लेकिन मैंने विशेष रूप से ऐसा सारा घूमा नहीं था तो दीदी ने एक भाई को बोल के गाड़ी मंगाई और कानन को पूरा चंडीगढ़ दिखाओ जबकि दीदी स्वयं पढ़ाई और मॉडली के ऊपर अटेंशन देते तो मैंने सोचा कि दीदी ने मेरे को क्लास मिस करके चंडीगढ़ घुमाने के लिए क्यों भेजा लेकिन जैसे छोटे थे पहली बार पहुंचे थे तो दीदी ने उस पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल बच्चों को क्या सब कुछ दिखाना चाहिए उस रूप से मुझे एक भाई के साथ पूरा चंडीगढ़ दिखाया उसी रूप से जब कलकत्ता के अंदर भी कभी भी दुर्गा पूजा होती थी तो सब हमारे जो विशेष यहाँ के भाई थे वो कहते दीदी कलकत्ता में आप देवियों की पूजा हो रही है वो टिकट आने जाने का दीदी का भेज देते थे और दीदी बड़े प्यार से दुर्गा पूजा पर आकर सब भक्तों को दृष्टि देने के लिए पहुंच जाती तो इतना प्यार था कि कलकत्ता में जब भी उनको बुलाते थे पूजा के समय और दीदी बहुत प्यार से उस समय यहाँ पहुँच हर एक भाई बहन का बहुत उमंग उत्साह बढ़ाती तो हम देखते हैं कि जो हम देखते हैं जो हम सोचते हैं वो दिखाई नहीं देता लेकिन जो आत्माएं महान आत्माएं, देव आत्मा बनने वाली दीदी देवियों के रूप में पूजन होने वाली दीदी, उस रूप से अंदर के गुण और उनकी शक्तियाँ जब दिखाई देती है जब हम उनके समीप आते हैं जब उनके संबंध में आते हैं और ना केवल संबंध में आते हैं लेकिन संबंध में आने के बाद गहराई से जब प्रैक्टिकल उनसे वार्तालाप करते हैं जैसे कई बार भी हम लोग भी जब पत्र व्यवहार करते थे तो कुछ कुछ बातें दीदी हमें एक कहती थी चलो बैडमिंटन खेलना है बैडमिंटन खेलना मतलब मैं प्रश्न पूछूंगी आप सब उत्तर देंगे मुझे याद है आज भी मेरे पास दीदी जी के पत्र हैं नाइन्टीन के और 75 के पूरे परिवार को बहुत प्यार से पत्र लिखती थी और बोलती चलो तुमने मुंडली पढ़ी है मैं प्रश्न पूछती हूँ आज बाबा ने बहुत रमणीक प्रश्न पूछा है कि बच्चे लंगड़े बच्चे कौन होते हैं आप भी सुन सुनकर हंसेंगे लेकिन दीदी ने बहुत प्यार से कहा तुम सब सखिया तो हंस रहे हो मैंने कैसा प्रश्न पूछा है लेकिन जानते हो लंगड़े बच्चे कौन होते हैं जो बाबा का बनने के बाद भी ना योग करते ना धारणा करते ना सर्विस करते हैं और तुम बच्चे तो ऐसे बच्चे नहीं हो तुम तो उड़ने वाले बच्चे हो तो ऐसे मधुर माँ वाक्य से हमें क्या सिखा दिया कि बाबा का बच्चा बनना मतलब एक्यूरेट रहो पढ़ाई भी करो धारणा भी करो और प्यार से सेवा भी करो तो ऐसी हस्ती जिनकी दृष्टि से हम सभी आज पालना ली और आज भी कलकत्ता में उनकी ही शिक्षाओं को सामने रखते हुए याद आता है कि कैसे प्यार से खेल खेल में छोटी छोटी बातें बताकर हमको ऐसा लायक बना दिया जो बाबा की धारणाएँ करना शिक्षाओं की बाबा की श्रीमत पर चलना संगठन में रहना और संगठन में भी बहुत सहज सरल रीति से एक परिवार के रूप में रहना सिखा दिया एक बहुत छोटा सा और उदाहरण दे थी दीदी, दे देखो तुमने संतरा देखा है ऑरेंज देखा है मैंने कहा हाँ ऑरेंज की विशेषता क्या है कि ऑरेंज को देखते हैं तो ऊपर से एक है और अंदर से उसकी एक एक फांक अलग अलग होती है उसका भाव क्या है कि सब मनुष्य आत्माएं सब बहन भाई अलग अलग होंगे अलग अलग नेचर होगी अलग अलग स्वभाव होगा लेकिन संगठन कब बनता है सुंदर कब लगता है जब सब एक किले के समान हम एक साथ रहते हैं सबके विचारों को मिला के रहते हैं एक दूसरे का रिगार्ड रखते हैं, रेस्पेक्ट रखते हैं तो बात बहुत सिंपल है और सिंपल तरीके से ही बताई जाती थी तो उस रूप से हमने देखा कि आज मुझे कलकत्ता में निर्मल शांता दीदी और के साथ रहते और बड़ी दीदी की सुनहरे अक्षरों से लिखे हुए पत्र व्यवहार जो उमंग उत्साह दिया तो आज तक भी हम देखते हैं कि बाबा के ईश्वर्य सेवा के अंदर अपनी पुरुषार्थ और पढ़ाई के अंदर कभी मेहनत नहीं लगी जैसे कहते हैं सहज राजयोग है सहज राजयोग का मतलब सहज रीति से सहज रीति से मतलब नहीं अलवेलेपन से नहीं लेकिन सहज रूप से बिना टेंशन के अपने इस अलौकिक जीवन को इस यात्रा को बहुत प्यार से अपने आप को भी चलाना और जो आपके संघ के साथी हैं उनको भी बाबा की शिक्षाओं पर और श्रीमद पर सह रीति से आगे बढ़ाते रहना यही शुभ भावनाएँ ये मैं रखती हूँ और यही दीदी की पालना हमारे प्रैक्टिकल जीवन में काम आई इन्हीं शिक्षाओं को याद करते हुए बहुत खुशी होती है ये ऐसी दीदी जिसको बाबा शुरू से ही बड़ी दीदी के रूप में कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर के रूप में और परख शक्ति के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में हम सभी ने देखा और हम उनके अंग संग रहने का हमको मौका मिला ओम शांति